देखो बेटा, हम लोगों ने विषाणु जनित जो रोग है वो हम लोगों ने पढ़े हैं, जीवाणु जनित रोग जो है वो हम लोगों ने पढ़े हैं। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? समस्त जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं ना, उसमें हम लोग देखते हैं कि जीवों को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोटोजोआ जंतुओं में और दूसरा होता है मेटाजोआ। मेटाजोआ में आते हैं बहुकोशिकीय जीव और प्रोटोजोआ में आते हैं एक कोशिकीय जीव, है ना। जंतुओं का क्लासिफिकेशन है, पादप की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। तो पादपों में एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनको प्रोटोजोआ संघ के अंदर रखते हैं और दूसरा ग्रुप होता है मेटाजोआ। मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जीवों को रखा जाता है जिसमें कशेरुकी यानी रज्जुकी और अरज्जुकी जो प्राणी होते हैं वो आते हैं, है ना। तो ये दो कैटेगरी है जो हमारे जीवों को क्या की जाती है, डिवाइड की जाती है। तो प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग होते हैं यानी सिंगल सेल्स जो एनिमल्स होते हैं लाइक पैरामीशियम, अमीबा, ये सब कौन से संघ के प्राणी हैं? प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं? किसको? मलेरिया को। नाम सुना है, नॉर्मल है। जब भी मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति होता है कपकपी लग के क्या आता है? बुखार आता है, यानी मतलब लगभग 48 या 72 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को तेज ठंड लगती है एकदम, है ना, शिवरिंग होती है शरीर में और बहुत तेज उसको क्या आता है? फीवर आता है, हाई फीवर आता है, ये रिपीटेशन चलता रहता है। तो ये क्या होता है? मलेरिया होता है ना, तेज बुखार आना। तो मलेरिया जो रोग होता है उसका रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम, जो कि एक क्या है? प्रोटोजोआ संघ का क्या है? प्राणी है। किसके द्वारा होता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम के कई प्रकार है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम मैलेरी होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। यदि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हमारे शरीर में घुस गया है तो ये सबसे घातक होता है। तो ये नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे कि सबसे घातक जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो सबसे घातक होता है। आगे बात समझ में? ये चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसका वाहक कौन है? मेन वाहक जो इसका होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है ना, मादा होती है एनाफिलीज, उसके माध्यम से ये रोग जो है वो फैलता है। फिर मनुष्य का कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है? तो मनुष्य का यकृत व आरबीसी जो है वो मलेरिया रोग के अंदर प्रभावित होती है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, और हमारा लीवर इसमें प्रभावित होता है। फिर है इसके लक्षण है कि क्या लक्षण है कि कपकपी जो है लगकर हर 72 से लगाकर 48 घंटों के अंदर, मतलब रिपीटेशन चलता है, ये एक प्रक्रम चलता है जिसके अंदर तेज जो है बुखार आता है उस व्यक्ति को, ठीक है। अब आती है बात मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को समझाइए, है ना। प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र, एक डायग्राम जो है वो आपका दिया हुआ भी है लेकिन जो समझाया गया है वो सही से नहीं समझाया गया। अगर आप प्रैक्टिकल की बुक उठा के देखते हो तो वहां आपको अच्छे से समझाया हुआ है ना। तो मैं आपको ठीक से इसमें समझा दूंगी कि जीवन चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो देखो, प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है उसके अंदर जो इसका जीवन चक्र है, जीवन चक्र में लैंगिक चक्र भी चलता है और अलैंगिक जीवन चक्र भी चलता है ना। तो जो अलैंगिक जनन जो होता है वो होता है किसमें? मनुष्यों के अंदर, ठीक है। और जो लैंगिक जनन होता है वो होता है किसमें? मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसके शरीर में, ठीक है। तो जो प्राथमिक इसका परपोषी है वो तो है मनुष्य, और द्वितीय या मध्यवर्ती जो वाहक है इसका वो कौन है? एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है, जिसमें इसका लैंगिक चक्र जो है वो चलता है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि जो प्राथमिक परपोषी यानी मनुष्य है उसमें इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं पूरी होती है, तो इसके जो जीवन चक्र के जो लैंगिक जनन के जो चक्र चरण है वो है, एक तो पहला है संक्रमण, दूसरा स्पोरोजोइट का निर्माण, पूर्व लाल रुधिर चक्र, बाह्य लाल रुधिर चक्र, लाल रुधिकाणु चक्र और पश्च लाल रुधिकाणु चक्र। ये जो है अवस्थाएं पाई जाएगी किसमें? मनुष्य के अंदर होने वाले अलैंगिक जनन के अंदर। लैंगिक जनन है दैट मीन्स युग्मक निर्माण होगा, निषेचन होगा, लैंगिक जनन में यही होता है। तो ये सारी अवस्थाएं जो होती है मादा एनाफिलीज में होती है, और इसमें पहला जो आता है वो युग्मक जनन होता है, मतलब युग्मकों का निर्माण। फिर युग्मक बन गए हैं तो उनमें निषेचन होगा, तो निषेचन।
फिर उत्तर युग्मन अवस्था और बीजाणु जनन अवस्था, ये सारी अवस्थाएं जो है वो क्या है, पाई जाती है किसमें, जो एनाफिलीज के अंदर लैंगिक चक्र जो चलता है उसके अंदर। मैं आपके सामने चक्र ड्रॉ कर देती हूँ, चक्र के माध्यम से आपको पूरा जो ये विभिन्न अवस्थाएं हैं वो मैं डायरेक्ट आपको क्या करूंगी बेटा, समझा दूंगी। देखो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि मनुष्य में जो लैंगिक चक्र है किसका, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का कारण है उसका कैसे संपन्न होता है। तो सबसे पहले अवस्था कौन सी है बेटा, संक्रमण। मच्छर जब भी हमको काटती है, मादा एनाफिलीज जो है, सॉरी गलत बोल गई हूँ, तो मादा एनाफिलीज जो है जब भी हमें काटती है तो उसके जो जब वो कट कट जब भी हमें बाइट करती है तो उसकी जो वो लार होती है वो हमारे रक्त के अंदर क्या करती है, छोड़ती है, क्योंकि वो रक्त चूसती है तो बदले में हमारे अंदर क्या डाल देती है, लार। उस लार में जो प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था होती है, स्पोरोजोइट अवस्था होती है, ये संक्रमण अवस्था होती है। ये चीज आपको नीट में काम आने वाली है। संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, स्पोरोजोइट अवस्था होती है। लगभग कितना, 2 लाख के बराबर स्पोरोजोइट्स जो होते हैं लार में पाए जाते हैं। वो जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो जब रक्त चूसती है मादा एनाफिलीज मच्छर तो हमारे शरीर के अंदर क्या कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है, अब स्पोरोजोइट देखो, ये तरकु रूपी इसकी संरचना होती है। ठीक है, इसके बाहर आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहा जाता है, छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल छिद्र कहा जाता है। इस पे शीर्ष एक टोपी होती है, फिर यहाँ पर जो है एक स्त्रावी अंगक होता है जिसमें अपघटी एंजाइम भरे रहते हैं। ये एंजाइम हमारे जब भी ये स्पोरोजोइट हमारे शरीर के अंदर, मनुष्यों के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो यकृत की कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली होती है उसको भेदने में मदद करते हैं। तो ये एंजाइम स्त्रावी अंगक में क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है उसका अपघटन करने के काम में आते हैं। अब इसके इसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर सूक्ष्म नलिकाएं होती है। ये नलिकाएं इसको मूवमेंट करने में मदद करती है, मतलब चलने में मदद करती है, और रिंगलिंग कहा जाता है इसके मूवमेंट को। ठीक है, एक केंद्रक इसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ऊर्जा के लिए, और अंतर्द्रव्यी जालिका जो पाई जाती है वो पाई जाती है। तो ये जो है मादा जो है एनाफिलीज हमारे शरीर में जब भी हमें बाइट करती है तो ये स्पोरोजोइट हमारे शरीर के अंदर डाल देती है, तब जाके हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। तो इसीलिए ये संक्रमण अवस्था है, तो स्पोरोजोइट ऐसा होता है बेटा। फिर देखो, अब पहला जो है अवस्था आती है पूर्व लाल रक्तिकाणु चक्र, स्पोरोजोइट जैसे ही हमारे शरीर में डाला तो आधे घंटे के बाद यकृत की पैरेन्काइमा जो कोशिका होती है उनके अंदर ये प्रवेश कर जाता है, कौन, स्पोरोजोइट। ठीक है, फिर यहाँ पर ये किसमें चेंज हो जाता है, यकृत की कोशिकाओं को खा के पी के आकार बड़ा कर लेता है ये स्पोरोजोइट, और ये कहलाता है साइजोंट। क्या कहलाता है, साइजोंट कहलाता है। फिर ये साइजोंट बहुविखंडन करता है, मतलब एक ये साइजोंट जो है वो दो के अंदर टूटेगा, 2 से 4 इस तरह से विखंडन होता रहता है। ये कई जो टुकड़ों के अंदर टूटता है, 2 तो द्विखंडन होता है, बहुखंडन यानी बहुत सारे खंडों में ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये साइजोंट जब बहुविखंडन करता है तो इससे जो नई संतति बनती है वो क्रिप्टोजोइट कहलाती है। क्रिप्टोजोइट वापस बहुविखंडन करती है तो क्रिप्टोमेरोजोइट कहलाती है। लगभग 1000 से 1500 तक क्रिप्टोमेरोजोइट बनती है। तो यहां तक आपकी कौन सी अवस्था पूर्व कंप्लीट हुई बेटा, पूर्व लाल रक्तिकाणु स्पोरोजोइट यकृत की पैरेन्काइमा में जाएगा, यकृत की कोशिकाओं को खाएगा, खाने के बाद बड़ा हो जाएगा, साइजोंट कहलाएगा, साइजोंट के बाद साइजोंट बहुविखंडन करेगी तो क्रिप्टोजोइट में चेंज हो जाएगी, क्रिप्टोजोइट बहुविखंडन करके जो नई संतति बनाई हुई है क्रिप्टोमेरोजोइट कहलाएगी। तो यहां तक आपकी पहली अवस्था पूरी हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट अवस्था आती है आपकी बाह्य लाल रुधिकाणु चक्र। इसमें क्या चीज होती है कि क्रिप्टोमेरोजोइट जो होती है वो नई यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करती है और किसमें चेंज हो जाती है, मेटा क्रिप्टोजोइट्स के अंदर चेंज हो जाती है। अब ये मेटा क्रिप्टोजोइट्स जो है वो 2 प्रकार की होती है, माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट और मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट्स। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ये 2 प्रकार की होती है, माइक्रो के बाद आपको मेटा क्रिप्टोजोइट भी जोड़ना है और मैक्रो के बाद भी आपको मेटा क्रिप्टोजोइट्स जोड़ना है। अब माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट्स जो है वो आरबीसी के अंदर जाएगी, ठीक है, आरबीसी को संक्रमित करेगी, और मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट्स जो है वो यकृत कोशिकाओं को ही क्या करती रहती है, संक्रमित करती रहती है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर ये जो आरबीसी के अंदर माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट्स गई, अब यहां से आपके नया चक्र शुरू हो जाएगा, वो है आपका रुधिकाणु जो चक्र है वो, यानी रुधिकाणु चरण, सॉरी, वो शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा,
ये माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट्स जो है, जो आरबीसी में प्रवेश करी, ये क्या हो जाएगी? गोलाकार हो जाएगी और क्या कहलाएगी? ट्रोफोजोइट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रोफोजोइट्स कहलाएगी। अब ट्रोफोजोइट जो है गोलाकार संरचना, अब इसमें इस तरह से क्या हो जाएगी, एक रिक्तिका का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और इसका केंद्रक यहाँ पर इस तरह से कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल यहाँ जो झिल्ली है, यानी इसकी कोशिका झिल्ली ये है, ये रिक्तिका है, ठीक है, और इसका केंद्रक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ट्रोफोजोइट की संरचना होती है, और ऐसे लगता है जैसे ये हमारी उंगली है। तो जैसे आप ये रिंग देख रहे हो, तो इसमें ये जो रेड, जो आप, अगर मैं इसको निकाल के बताऊं बेटा, तो ये जो लाल देख रहे हो, ये हिस्सा तो केंद्रक हो गया, और ये जो खाली हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, जो रिक्तिका है वो हो गई। तो इस तरीके की अवस्था बन जाती है, तो ये ट्रोफोजोइट क्या कहलाता है? जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो मुद्रिका, मुद्रिका मतलब क्या होता है, रिंग। तो रिंग के अंदर चेंज हो जाती है, जब रिक्तिका इस ट्रोफोजोइट के अंदर, देखो माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट आरबीसी में गई, नया चक्र शुरू हो गया, रुधिकाणु, रुधिकाणु का मतलब ही आरबीसी होता है ना, तो नया चरण शुरू हो गया। नए चरण के अंदर यह आरबीसी गोलाकार होकर ट्रोफोजोइट कहलाएगी। ट्रोफोजोइट यानी माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट आरबीसी में क्या कहलाएगी? गोलाकार होने के बाद ट्रोफोजोइट कहलाएगी। ट्रोफोजोइट में रिक्तिका बन जाती है, केंद्रक साइड में आ जाता है, तो मुद्रिका कहलाती है। मुद्रिका में कूटपाद आ जाते हैं, दैट मीन्स ये अमीबीय अवस्था ग्रहण कर लेती है, अमीबीय जो है गति करना शुरू कर देती है, पर है तो ये ट्रोफोजोइट ही ना। तो अब ये जो ट्रोफोजोइट है, जब आरबीसी के अंदर होती है, तो जो आरबीसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है कि नहीं? तो ये जो ट्रोफोजोइट है अमीबी अवस्था में आने के बाद क्या कर देता है, इस हीमोग्लोबिन को दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक तो ग्लोबिन बन जाता है और हीमेटिन बन जाता है। अब ये हीमेटिन जो है वो क्या होता जाता है, इस आरबीसी और इस ट्रोफोजोइट के अंदर जमता जाता है। अधिक मात्रा में आरबीसी के अंदर हीमेटिन के जमने से ये ट्रोफोजोइट फट जाती है और आरबीसी फटती है, ठीक है। आरबीसी भी फटती है, क्यों? क्योंकि ट्रोफोजोइट है किसके अंदर, ट्रोफोजोइट किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर है। तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं भी फटती है और ट्रोफोजोइट भी फटती है, ये ट्रोफोजोइट अवस्था, ये भी फटती है। किसकी वजह से? हीमेटिन के जमाव की वजह से। इसीलिए हमें कपकपी लगकर क्या आता है, जो ठंड जो होती है वो लगती है, और हमें क्या आती है, बुखार आती है, ये चीज समझ लो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, जो आपके इस अवस्था के अंदर जो आप देखोगे वो होती है साइजोन्ट अवस्था। साइजोन्ट अवस्था क्या होती है बेटा? जब ये ट्रोफोजोइट जो है, ये अब मैं यहाँ पे ये मिटा रही हूं आपको, ट्रोफोजोइट से जो नेक्स्ट अवस्था बनती है वो बनती है साइजोन्ट अवस्था, ठीक है। कौन सी है? साइजोन्ट अवस्था। जब ट्रोफोजोइट जो है वो बार बार क्या करती है, ट्रोफोजोइट का व्यस्क, ट्रोफोजोइट का केंद्रक जो है बार बार विभाजित होता है, और नए अगर मतलब एक के अंदर ही 8 से 26 जो है वो संतति केंद्रक बन जाते हैं, तो इसे साइजोंट कहा जाता है। मतलब ये ट्रोफोजोइट है, इसमें इसका केंद्रक है, ठीक है। अब ये केंद्रक बार बार क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, विभाजन कर रहा है इसके अंदर ही, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारे केंद्रक इसके अंदर बन जाएंगे, बार बार टूटेगा तो, यानी 8 से लगभग कितने केंद्रक बन जाते हैं, 8 से लगभग 26। तो ये ट्रोफोजोइट अब क्या कहलाएगा, साइजोंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइजोंट कहा जाता है। साइजोंट जो होते हैं, साइजोन के केंद्रक परिधि के पास व्यवस्थित होकर इनके चारों ओर केंद्रकीय द्रव संग्रहण हो जाता है, यह अंडाकार संरचना साइजोंट कहलाती है। फिर है युग्मक जन्मों की उत्पत्ति। कई लाल रुधिकाणु चक्र के पश्चात साइजोन्स नए रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश कर युग्मक जनकों में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। अब ये साइजोन जो है नई आरबीसी के अंदर क्या करेगी, प्रवेश करेगी, ठीक है, नई आरबीसी में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, और इसके अंदर क्या करेगी, युग्मक को का, युग्मक जो है जनकों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। यानी इस साइजोन से किसका, युग्मक जनकों का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। युग्मक जनक दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो गेमेटोसाइट और मैक्रो गेमेटोसाइट। युग्मक जनक जो बने वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, माइक्रो गेमेटो और मैक्रो गेमेटो, माइक्रो और मैक्रो गेमेटोसाइट्स। ठीक
ठीक है, तो ये गैमेटोसाइट्स जो होते हैं वो बन जाते हैं मैक्रो है, तो आकार इसका बड़ा होता है लेकिन केंद्रक इसके क्या होते हैं, आकार बड़ा लेकिन केंद्रक छोटा। और माइक्रा का आकार क्या है, ऑब्वियस सी बात है आकार छोटा लेकिन इसका केंद्रक जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। दोनों का उल्टा है, माइक्रो है, माइक्रो मतलब छोटा, तो साइज इसकी छोटी होगी लेकिन केंद्रक बड़ा। मैक्रो का क्या होगा, साइज बड़ा लेकिन इसका केंद्रक क्या होगा, छोटा होगा, ये विशेषता होती है। इसके बाद ये हो गया आपका रुधिकाणु चक्र पूरा। इसके बाद जो चक्र शुरू होगा वो होगा पश्चलाल रुधिकाणु चक्र। कौन सा, रुधिकाणु चक्र पूरा हुआ गेमेटोसाइट के निर्माण तक, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका जो चरण है वो पश्चलाल रुधिकाणु चक्र। अभी बेटा हम लोगों ने देखा था कि साइजोन जो अवस्था है वो युग्मक जनक का निर्माण करती है। दो तरीके के युग्मक जनक बनते हैं, माइक्रोगेमेटोसाइट और मैक्रोगेमेटोसाइट, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी रक्ताणु अवस्था में। इसके बाद आती है अलैंगिक जनन जो होता है मनुष्य में, ये क्रिया मनुष्य में हो रही है, ध्यान रखना है ना। ये लास्ट अवस्था है, इसमें जो कमजोर साइजोन्ट होते हैं जो युग्मक जनक का निर्माण नहीं कर पाते, वो पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए, स्ट्रोंग होने के लिए यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। इसे ही हम पश्चलाल रुधिकाणु चक्र कहते हैं। आगे बात समझ में। फिर अगर हम लोग देखते हैं मच्छर के अंदर लैंगिक जनन, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो अवस्था आती है अलैंगिक जनन में, मच्छर के अलैंगिक जनन में पहली आती है युग्मक जनन। क्या होता है देखो, अभी जो हमारे को काटती है मादा एनोफिलीज, तो हमारा रक्त क्या करती है, लेती है, तो उस रक्त के अंदर ये जो युग्मक जनक होते हैं जो शरीर में बन चुके हैं हमारे, जो संक्रमित व्यक्ति होता है मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति, जिसमें माइक्रोगेमेटोसाइट और मैक्रोगेमेटोसाइट होते हैं, ये उस मच्छर के शरीर के अंदर क्या करेंगे, जब वो रक्त चूसेगी तो उस रक्त के माध्यम से मच्छर के शरीर के अंदर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे। उसके बाद युग्मक जनन होगा, यानी नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा। मतलब ये मैक्रोगेमेटोसाइट और माइक्रोगेमेटोसाइट जो है, जब मच्छर हमारा खून शक करेगी या चूसेगी, तब मच्छर के शरीर में जाने के बाद माइक्रोगेमेटोसाइट नर युग्मक का निर्माण करेंगे, मैक्रोगेमेटोसाइट मादा युग्मक का निर्माण करेंगे, और ये चल होता है, ठीक है। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ऐसी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद दे, तो ये स्टेज कंप्लीट होती है युग्मक जनन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। फिर निषेचन होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं, और उससे क्या बनता है, युग्मनज, ये सेकेंड अवस्था होती है। फिर आती है उत्तर युग्मनज अवस्था। इसके अंदर क्या होता है कि ये युग्मनज जो है वो जो है क्या करता है, चल युग्मनज में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब युग्मनज बन जाता है, इस युग्मनज के बनने के 9 से 10 घंटे के बाद ये आकार ग्रहण कर लेता है एक कृमि के समान, मतलब इस तरीके से आकार ग्रहण कर लेता है, और इस संरचना को हम चल युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, चल युग्मनज कहते हैं, समझ आ गया। यानी ये युग्मनज जो है 9 से 10 घंटे के बाद कृमि रूपी संरचना में चेंज हो जाता है, जिसे चल युग्मनज कहते हैं। अब ये चल युग्मनज जो है उस मच्छर के अमाशय में प्रवेश करता है और गोलाकार संरचना में चेंज हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, युग्मनज पुट्टिका कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये युग्मनज है और उसके चारों एक पुटकीय आवरण पाया जाता है, तो इसे युग्मनज पुट्टिका कहते हैं। तो ये उत्तर युग्मनज अवस्था के अंदर ये दो चीजें होती है, एक तो चल युग्मनज बनता है, और चल युग्मनज से किसका निर्माण होता है, युग्मनज पुट्टिका का निर्माण होता है, ठीक है। लास्ट अवस्था होती है हमारी कौन सी, बीजाणु जनन, जो कि मच्छर के अंदर होती है। युग्मनज पुट्टिका जो है वो क्या करती है, अमाशय की भित्ति से लग जाती है। ये क्रिया कहाँ हुई, अमाशय में हुई ना, तो अमाशय की भित्ति से लगने के बाद, मच्छर की अमाशय की भित्ति से लगने के बाद युग्मनज पुट्टिका में विखंडन होता है, और जो है स्पोरॉन जो संरचना होती है वो बनती है। यानी ये युग्मनज पुट्टिका जो है वो डिवाइड होती है, और इससे क्या बनती है, स्पोरोंट अवस्था बनती है, ठीक है। और स्पोरोंट अवस्था से जो है इसके जो केंद्रक है वो कई बार डिवाइड होता है, और नए जो जीव है वो बनते हैं, और वो जीव हंसियाकार जब बन जाते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं स्पोरोजोइंट में, और ये स्पोरोजोइट ही तो हमें मलेरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किए थे। अगर आप वीडियो को रिवाइज करके देखोगे तो मैंने कहा था कि संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, स्पोरोजोइंट अवस्था होती है, तो ये स्पोरोजोइंट बन जाते हैं। तो ये लार में अमाशय के अंदर है, तो अमाशय से फिर कहाँ स्रवित होते हैं, लार जो होती है उसमें ट्रांसफर होते हैं और मनुष्य को संक्रमित करते हैं। तो इस प्रकार ये जो मलेरिया होता है वो हमें होता है, और ये मलेरिया जो है
उसके जो उसका जो रोग कारक है उसका पूरा जीवन चक्र है बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम चाहे आप किताब वाला बना लो, लेकिन लिखने के लिए डायग्राम इसके अलावा भी मैं आपको दे दूंगी। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया तो वो डायग्राम समझ में आएगा, अदरवाइज डायग्राम समझ में नहीं आएगा, है ना। चाहो तो आप वो बना सकते हो, लिखने के लिए आप ये लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि किताब के अंदर आधा अधूरा है। फिर अगर इसके लक्षणों की बात करें तो रोग के होने पर सिर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, रोगी को जी मचलता है मतलब उल्टी जैसा फील होता है, उल्टियां होने लगती है, सर्दी होकर तेज ज्वर चढ़ता है। रोग से बचने के लिए मलेरिया फैलने के मौसम में जो 300 मिलीग्राम कुनेन प्रतिदिन खाते रहना चाहिए, यानी कुनेन की दवाई जो होती है वो मलेरिया में दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पानी को उबालकर पीना चाहिए। फल तथा सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर प्रयोग में लेना चाहिए। आसपास अथवा घर में ठहरे हुए जल का निकास देना चाहिए, यानी जो बारिश के टाइम जो होता है, जस्ट आपने देखा होगा कि बारिश के बाद ज्यादा मलेरिया होता है। क्यों? क्योंकि बारिश वक्त जो पानी होता है वो कहीं जो खाली पड़े जो टैंक्स होते हैं, छत के ऊपर टंकी होती है, उनके अंदर भर जाता है ना। और फिर वो जो पानी सड़ता है तो उसके अंदर जो लार्वा अवस्था होती है वो डेवलप होती है, जो मच्छरों की है ना, जो एनाफिलीज होती है। तो हमें स्टोर्ड नहीं रखना चाहिए पानी को, मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए डीडीटी और गैमेक्सीन मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। तो ये जो आपका मलेरिया है वो कंप्लीट होता है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से आपको इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। आ गई बात समझ में?